विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म विस्मय श्री गुरु हम आज शक्तिपीठ भुवनेश्वरी माता के इस बुंदेल क्षेत्र में आए हैं और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए दस महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या या पांचवी महाविद्या के रूप में कहलाने वाली भुवनेश्वरी माता जिसके आराधक साधक इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले अधिकार प्राप्त करने वाले कहलाए जाते हैं। माता भुवनेश्वरी का दशमी विद्याओं में इस प्रकार पहले के ऋषियों ने की आराधना की थी उसमें ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है, विष्णुपद मंत्र अलग है और रुद्रोपद एक मंत्र, उसी प्रकार सप्तऋषियों के मंत्र भी अलग अलग है, लेकिन इसका एक ही बीजाक्षर इस मंत्र का, इस देवी माता का एक ही मंत्र बीजाक्षर है, उसे प्रेम के नाम से जाना जाता है। इस बार मैं सोचा था कि कृष्ण अवतरण या रुद्र अवतरण के अनुसार या शारदा के अनुसार माता भुवनेश्वरी का अगर 33 लाख मंत्र किया जाता है और उसका दशांश श्रवण किया जाता है तो माता सिद्ध होकर उस साधक के या उस क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रतिष्ठा होती है। ऐसा मैंने शारदा के तंत्र में और उसी प्रकार रुद्र तंत्र में भी इसका पाठ किया है और बहुत विचार करने के बाद केवल एक 6 दिन पहले मैंने अनाउंस कर दिया था व्हाट्सएप पे कि भुवनेश्वरी माता का अब सब लोग 1 लाख मंत्र जप करो, 32 लाख मंत्र जप होता है तो हम बुंदेल में उसका दशांश श्रवण करेंगे जो माता के सिद्धि का, माता के प्रत्यक्ष दर्शन का कारणीभूत होता है। लेकिन आज की रिपोर्ट के अनुसार दत्तु भैया ने जब ये उसके ऊपर दिया तो कहते हैं कि पूरा भुवनेश्वरी माता का ही बीजाक्षर मंत्र 1 करोड़ हुआ है, 33 लाख नहीं, 1 करोड़ मंत्र जब हुआ है। अब उसका दशांश श्रवण करना या उसके बारे में माता के बारे में विचार करना, माता की कृपा के पात्र बनना, ये माता की ही इच्छा है जो माता जी ने 1 करोड़ मंत्र जब हमारे साधकों से करवाया। कहते हैं कि माता भुवनेश्वरी देवी के बारे में इस कलयुग में आप जानते हैं कि हैदराबाद आते समय एक वरंगल नाम का एक जंक्शन लगता है, वरंगल नाम का एक गांव एक शहर है आज तेलंगाना में, हैदराबाद के बाद में उसी का नाम आता है। तो उस वरंगल में एक विश्वामित्र गोत्री ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने 1600 ईस्वी में ये देखा कि हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी गायत्री के उपासक थे, बहुत सारी उपासनाएं की, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं हुई कि मैं इस संसार में कुछ साध सकूं, मैं हिंदू धर्म की रक्षा कर सकूं, हिंदू धर्म की स्थापना कर सकूं, और वे निरंतर इस बात में इसके बारे में चिंतन करने लगे। वे वहाँ वरंगल से चलते हुए जंगलों से चलते हुए निकले और उनको लगा कि मैं कहाँ ऐसी कोई राज्य की स्थापना, ऐसी कोई देवी की उपासना जिससे मेरे हिंदू राज्य का स्थापना हो और हिंदू राज्य का सत्ता क्षेत्रता और पश्चिम प्रतिष्ठा हो, ये विचार करते हुए निकले। निकलने के बाद बहुत दिन चलते चलते जाने के बाद उनको एक जगह ऐसी आई जो पथरीली जमीन थी। वहां उन्होंने देखा कि एक सियाह बहुत बड़ा है, वो भाग रहा है और उसके पीछे खरगोश भाग रहे हैं एक झुंड बनकर। सच्चाई तो यह है कि सियार का भी खरगोश को 1 मिनट में खा लेता है, जिसे तेलुगु में नक्का कहते हैं और इसको अपने खरगोश को पतेलु कहते हैं, तो वो उसको खा जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक खरगोश का झुंड सियार के पीछे भाग रहा, सियार भागते हुए चले जा रहे हैं। वो देख के 1 मिनट के लिए रुक गए और बोले ये तो आज अदृश्य की बात है, ऐसा क्या हो रहा है। फिर वहाँ थोड़ी दूर गए, देखते क्या है, एक बहुत बड़ा शेर खड़ा हुआ है, वहां से हिरण की झुंड आई, बहुत बड़े बड़े सिंह वाले हिरण आए और हिरण भागते हुए शेर भागते हुए चला गया। ये क्या दूसरे का शेर को हिरण को खा जाता है या शेर भाग रहा है हिरण का झुंड उसके पीछे जा रहा है। उन्होंने 2 मिनट के लिए वहां बैठकर ध्यान किया
और कहा कि ये क्या यहाँ क्या हो रहा है। तो देखा कि एक जमाने में और किष्किंधा थी, किष्किंधा का मतलब होता है जहाँ वानर राज सुग्रीव वाली हनुमान जी जहाँ पैदा हुए अंजनी माता के बारे में कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने तपस्या की, जो किष्किंधा में किष्किंधा राज्य था सुग्रीव का, वो राज्य थी। तो इसका मतलब उन्होंने तब किया, उनको तब लगा कि हाँ यहाँ जब वानर यानी बंदर बलवान हो सकते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि गरीब लोग हो या अशक्त लोग हो, अगर एक झुंड में हो जाए तो वो किसी को भी हरा सकते हैं, ये ऐसी भूमि है। तो उनने वहां निष्ठा ली और कहा कि इसको शक्ति वान बनाने के लिए क्या करना होगा। विचार में पड़ गए, वहां से लोगों को देखा तो सब लोग गरीब थे, दरिद्र थे। उन्हें लगा कि यहाँ अगर इन गरीबों को, इन शक्तिहीन लोगों को एकजुट किया जाए तो मैं अच्छे राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, यहाँ अशक्त भी अति शक्तिवान बन जाता है, ऐसा उनको लगा। और वे वहाँ पूजा में बैठ गए और अपने गुरु आचार्य को पूछने लगे कि मैं कौन सी देवी की आराधना करूँ जिसके साथ मेरे यहाँ के अशक्त लोग शक्तिवान बन सके। उन्होंने तब उन्हें भुवनेश्वरी माता का, उनके गुरु ने कहा कि इस माता का जब अगर होता है तो अकेले उस स्वामी जी ने 32 लाख भुवनेश्वरी माता का मंदिर जब किया। कल्याणी के बाद माता भुवनेश्वरी ने प्रसन्न हुई, हवन होना हो गया, प्रसन्न हो गया, बोली तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा जो हमारे हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, यहाँ शक्तिहीन लोगों को यहाँ मार जाता है और वो लोग आक्रमण करते हैं, यहाँ शक्तिहीन भी शक्तिमान बनने के लिए माँ हमने आपकी प्रार्थना की है, आप कहोगे मुझे यहाँ क्या करना होगा। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने कहा कि तू यहाँ एक राज्य की नींव डाल, नींव का मतलब होता है बुनियाद, यहाँ एक बुनियाद डाल ले। राजा बोले मेरे पास राजा नहीं है न कोई प्रजा नहीं है, केवल बुनियाद डालने से क्या होगा। माता ने कहा मैं हूँ यहाँ, तो बुनियाद डाल के एक मुहूर्त पर मैं बोलती हूँ, उस मुहूर्त पर तुझे राज्य की स्थापना करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि माता आपकी इच्छा क्या करना है। केवल उनके साथ 5 शिष्य आए, 5 शिष्य आने के बाद उनको उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह 4:15 पर एक मुहूर्त बोल रहा हूँ, उस मुहूर्त पर इन पथरीली जमीन में आपको केवल पूजा करके भूमि पूजन करना है और ये कहना है कि यहाँ राज्य की स्थापना होगी। 5 लोग हंसने लगे, क्या स्वामी जी आप अकेले और हम 5, ये 5 लोगों से क्या राज्य की स्थापना होती है क्या। तो सब लोग हंसने लगे। कहा माता भुवनेश्वरी की कृपा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। उसने कहा तो प्रभु ये तो राज्य की स्थापना पहाड़ पे होनी है और यहाँ नीचे सब लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा उस जमाने में वो सब जहाँ क्षेत्र था, एरिया था, वो सब जंगम और जंगम लोग सुबह 4 बजे उठकर घंटे और शंख बजाते हुए अपने अन्न का ग्रहण करते थे और गाँव में घुमा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार घंटी बजाता हूँ, 1, 2, 3, मेरी ऐसी तीसरी घंटी हुई तो वहाँ नारियल फोड़ देना और कहना कि यहाँ राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो सब लोग ऊपर गए और स्वामी जी नीचे भुवनेश्वरी माता का मंत्र कर हवन किए, पूर्णाहुति हुई और उन्होंने घंटी मारने को ही थे कि उन्होंने 1, 2, 3 मारी। तो वो ऊपर से भागते हुए प्रभु ये आप 3 बार घंटी बजाई, लेकिन इससे कोई ना किसी ने और एक भी घंटी बजा दी, हमने तो नारियल फोड़ दिया, अरे ऐसा कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा वो जो भीख मांगने वाले जंगम थे वो भीख मांगते हुए जा रहे थे, उन्होंने घंटी बजाई तो समझा महाराज ने घंटी बजाई और उन्होंने वहां नारियल फोड़ दिया। महाराज ने कहा क्या भगवत चिंतन है, क्या भगवान की लीला है कि जिस मुहूर्त पर मैं राज्य स्थापित करना चाह रहा था उससे 5 मिनट पहले ही तुमने नारियल फोड़ दिया, ठीक है जैसे भगवती की इच्छा। उसके बाद उन्होंने एक काम किया, माता भुवनेश्वरी से कहा कि माँ यहाँ कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे लोग यहाँ इकट्ठा होकर आ जाए, यहाँ की दरिद्रता खत्म हो जाए। और उन्होंने भुवनेश्वरी माता का स्तोत्र 108 ब्लाउज पीस रखकर उसके ऊपर 2 पान और 1 फूल 1 फल रखकर कहा कि माता इसको लेने जो जो आएंगे 1 ब्लाउज पीस 1,000 लोगों को लाएगा, मैं उसको प्रसाद के रूप में दूंगा, मैं अभी भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। माता भुवनेश्वरी का आह्वान किया, लेकिन माँ लोग तो यूं ही आएंगे नहीं, तो एक चमत्कार तो तुम्हें करना ही होगा, बोलो इन लोग गरीब लोगों को धनवान कैसे बनाया जाए। तो माता ने कहा तो स्तोत्र पढ़, मैं आगे का काम मैं देखती हूँ।